और अब देखेंगे विस्तार से समाचार। दिल्ली में महंगी बिजली पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली भाजपा आज सभी 14 बिजली कार्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य अधिभार लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। फ्री बिजली और पानी माफ के नाम पर उन्होंने दिल्ली को ठगना था, ठग लिया, सरकार में आना था आ लिया, लेकिन दिल्ली की जनता को जिस तरह से लूटा जा रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी और अरविंद केजरीवाल को पीपीएसी चार्जेस वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। मैं भी बताना चाहता हूं कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। बिजली बढ़ोतरी के पीछे दिल्ली में क्या है कंपनियों के तर्क, जरा ये भी समझ लेते हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट के चलते बढ़ाए गए बिजली के दाम, पीपीएसी के तिमाही रेट में संशोधन के चलते ये बदलाव किया गया है। वित्तीय बोझ में हालिया बढ़ोतरी 1 मई से लागू हुई है। बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए पीपीएसी बढ़कर 35.83% हो गया है। 0 से 200 यूनिट खपत के लिए बेस प्राइस एडजस्टमेंट 3 से 4 रुपए यूनिट हुआ। बीआरपीएल का पीपीएसी 35.83% तक बढ़ा। बीवाईपीएल का पीपीएसी 37.75% तक बढ़ा। इसके साथ ही टीपीडीडीएल के पीपीएसी में 37.88% की बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ एनडीएमसी का पीपीएसी सबसे ज्यादा 38.75% हो गया है। तो टीपीडीएल के पीपीएसी में 37.88% की बढ़त हुई है। एनडीएमसी का पीपीएसी सबसे ज्यादा 38.75% हो गया है। ये कंपनियों के तर्क हैं। पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट जो है उसके चलते दाम बढ़ाए गए हैं। बिजली कंपनियों ने अपने तर्क दिए हैं। पीपीएसी के तिमाही रेट में संशोधन के चलते ये बदलाव किया गया है और इसके साथ ही तमाम तर्क हैं। वित्तीय बोझ का भी हवाला दिया गया है और कहा गया है कि हालिया बढ़ोतरी 1 मई से लागू हुई है। तो ये तर्क हैं बिजली बढ़ोतरी के। बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए पीपीएसी बढ़कर 35.83% हो गया है और इसके साथ ही 0 से 200 यूनिट खपत के लिए बेस प्राइस एडजस्टमेंट में 3 से 4.07 रुपए यूनिट ये भी हो गया है। बीआरपीएल का पीपीएसी 35.83% तक बढ़ गया है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से भाजपा का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बिजली की बढ़ी कीमतों को लेकर क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, और भाजपा लगातार मुखर है इस मुद्दे को लेकर के और आज भी वसंत कुंज में जो बीएससीएस का ऑफिस है वहाँ पर भी जो रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं उन्होंने वहाँ पर धरना प्रदर्शन में भाग लिया था और वो अधिकारियों से भी मिले थे, जिसके अगर उन्होंने कहा कि इस प्रकार से बिजली का लगातार बिल बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, उसको किसी तरीके से कम किया जा सके और उन्होंने इसी तौर पर जो आतिशी हैं दिल्ली में जो मंत्री उनको भी सीधे तौर पर उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि वो झूठ की सरकार है और लगातार जो है वो दावे कर रही हैं झूठे। इसके साथ साथ उन्होंने केजरीवाल से भी इस्तीफा मांगा है कि इस मुद्दे पर कम से कम वो इस्तीफा दें। जेल जाने पर तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन इस मुद्दे पर कम से कम उन्हें इस्तीफा देना चाहिए कि जिस प्रकार से लगातार लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है जिसके बेस पर वो चुनाव लड़े थे और जीते भी थे वो अब सफ़र कर रही है दिल्ली की जनता और लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं उसको लेकर के लगातार ये वसंत कुंज पर चंद्रशेखर कई जगहों पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ मुकेश शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे आम आदमी की बात करके आम आदमी पार्टी सरकार जो है सत्ता में आई थी लेकिन आम आदमी की ही जेब कटती हुई, कॉमन मैन की ही जेब कटती हुई दिखाई दे रही है। ये जो बिजली कंपनियों के तर्क हैं ये कितने लॉजिकल लगते हैं?
हाँ रमा, जिस तरह से देखिए इनको एक्सपोज किया गया, अभी हमने बांसुरी स्वराज से बात करी और खुद आम आदमी पार्टी के जो फॉर्मर लीडर थे, मंत्री थे उनकी सरकार में राजकुमार, उनसे बात करी, उन्होंने कहा जिस तरह से ये कुछ अंग्रेजी की लाइनों को लेकर के इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को इस जुमले में फंसा लेते हैं, इसी तरह से उन्होंने इस बार भी लोगों को फंसाया, पीपीएससी के नाम से मांगा, पेंशन स्कीम के नाम से लोगों की ठगी करी। जब पेंशन इनको अपने कर्मचारियों को देना है तो जनता से उसकी वसूली क्यों की जाए? उन्होंने बोला कि जब आपकी जो बिजली है वो ज्यादा कंज्यूम होती है तो ये रेट जो है वो बढ़ाए जाते हैं, वो 3 महीने के लिए होते हैं, लेकिन देखिए कितनी ज्यादा इसमें बढ़ोतरी की गई। 2015 में महज 1.5 था और अब 46% के आसपास पहुंच गया, यानी जब जब सरकार आती है पीपीएससी बढ़ाती है तो उसके बाद उसको वापस रोल बैक नहीं करती है, उसमें एक और एड ऑन कर देती है, एक और एड ऑन कर देती है। और उन्होंने एक बड़ी बात करी, मीटर लोड के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, यानी जिनका 1 किलोवाट था उनका 3 किलोवाट कर दिया गया, जिनका 2 किलो था उनका 5 किलो कर दिया गया। छोटी सी कंजम्पशन कुछ दिनों के लिए अगर बढ़ जाती है तो बीएससीएस वहां पर भी ठगी करके वसूली कर लेती है। तो ये इस तरह से जो लोगों को ठग लिया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों की जेब काटी जा रही है, कहीं ना कहीं ये घिरती हुई दिखाई दे रही है। और बताया वहां पर बांसुरी स्वराज ने कि किस तरह से जब दिल्ली पे राष्ट्रपति शासन लगा कुछ दिनों के लिए तो पीयूष गोयल जी ने खुद इसको वहां से हटा दिया गया था, बिल्कुल ये चार्जेस खत्म कर दिए गए थे। तो जब ये सरकार आई और इन्होंने आते ही छोटे छोटे एड ऑन करने शुरू किए और आज देखिए ये 46-47% तक बढ़ चुका है, यानी लोगों की जेब में सीधा डाका डाला जा रहा है। आप इसको उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया कि जिसका बिल 800 रुपए था वो इन तमाम चार्जेस के बाद 2800 रुपए हो गया, किसी का 3000 हो गया, किसी का 3800 पहुंच गया, यानी जिसकी कंजम्पशन उतनी नहीं है लेकिन उसको इतना ज्यादा बिल भरना पड़ रहा। और इसको रोल बैक करने के लिए जिस तरह से आज पूरी दिल्ली में आंदोलन हुए, जिस तरह से तमाम नेता जो थे दिल्ली के 7 सांसद सड़कों पे थे, खुद प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर थे, फॉर्मर जो सांसद थे वो सड़कों पर थे और उन्होंने पूरे जोर शोर से इस बात को उठाया कि ऐसी मनमानी नहीं चलने देंगे, जनता के साथ रहेंगे, जनता को न्याय दिला करके रहेंगे। और उन्होंने ये बात भी कहा कि घोटालों की सरकार बन के रह गई, कभी शराब घोटाला, कभी शिक्षा घोटाला, कभी जमीन घोटाला, तो ये घोटाले कब खत्म होंगे? और जब कुछ नहीं मिला तो बिजली घोटाला कर मारा, यहाँ पर लोगों की जेब से फिर उन्होंने जो है वो पैसे वसूलने शुरू कर दिए। तो इस तरह से ये अपने मंसूबों को जो है वो पूरा कर रहे हैं। अपने जो ये आम आदमी की सरकार थी, ये खास आदमियों की सरकार हो गई, यानी इनके जो खास लोग हैं उनको सीधा फायदा पहुंचाया जाए, ना आतिशी के पास इसका जवाब है ना सौरभ भारद्वाज के पास। बिल्कुल चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहेंगे, तमाम जो ये बिजली की बढ़ोतरी के कारण बताए गए हैं, चाहे पीपीएसी की बात हो जिसमें रोलबैक भी होता है और रोलबैक क्यों नहीं हुआ है इसका कोई जवाब नहीं है, इसके अलावा जो विभिन्न चार्ज लगाए गए, विशेषकर जो पेंशन चार्ज है उस पर आपत्ति है कि अगर पेंशन चार्ज बिजली कंपनी के लोगों का है तो उसमें जो हर व्यक्ति है वो अपना योगदान किस लिए दे, ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। क्या कुछ आम लोगों का कहना है? आम लोगों से जो हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ये जो जैसे आपने बात की पेंशन वाली, कि ये पेंशन सरचार्ज जो है वो किसको दिया जा रहा है? बीएससीएस तो अपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनी है, तो फिर ये पेंशन जो है वो किसको दी जा रही है उसको क्लियर करना चाहिए जो बिजली कंपनियाँ हैं उनको, आम जनता को, ताकि वो समझ सकें कि ये जो टैक्स है ये किस प्रकार से उन पर दिया जा रहा है, सरचार्ज दिया जा रहा है। दूसरे प्रकार से उन्होंने कहा कि जो लोगों का कहना है कि 8-8 घंटे जो हैं वो बिजली काटी जा रही है, मजदूरों से भी हमारे क्लास के जो लोग हैं उनसे बात हुई कि बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं, किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर करके वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं लेकिन बिजली नहीं है, और ऐसे मौके पर जब बिजली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दिल्ली वासियों को, 8-8 घंटे अगर बिजली काटी जा रही है तो वो किस प्रकार से वो बिजली का बिल भरें। और बिजली बिल भी कम नहीं हो रहा है, बिजली कटने के बावजूद भी बिजली का बिल कम नहीं हो रहा है, तो वो दोहरी मार नहीं बल्कि कई प्रकार की मार उनको पड़ रही हैं। और इसके साथ साथ जो ये रोल बैक की बात मुकेश भी कर रहे थे, लोगों का ये कहना है कि ये बढ़ता है तो उससे घटने का भी एक मैकेनिज्म होता है, तो वो अभी तक तो क्यों नहीं हुआ है और लगातार इसको बढ़ाते चला जा रहा है, तो इसको भी कम किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ लोगों का ये भी कहना है कि जो कंपनियां हैं उनको भी किसी तरह से फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो अगर ये इनका ऑडिट करा दिया जाता है तो कहीं से कम ये पता चल पाएगा कि धांधली जो हो रही है और जो इतना मुनाफा कमाया जा रहा है ये किस प्रकार से कमाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना ये था कि अगर 2000 हम बिजली का बिल दे रहे हैं तो 3000 जो है हम टैक्स के रूप में या अधिभार के रूप में बिजली कंपनियों को दे रहे हैं उनको अपने खर्चे करने के लिए या फिर उनको मुनाफा कमाने के लिए, तो ये एक्चुअल बिजली का बिल है, मान लीजिए किसी का 5000 का है तो वो
2000 का एक्चुअल का बिल है, तो 3000 रुपये जो कस्टमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो क्यों दें? तो ये क्यों जो है वो बहुत बड़ा होता चला जा रहा है, और ये लगातार जो जिस प्रकार से अधिभार बढ़ रहे हैं, कई प्रकार के अधिभार हैं इसमें, तो इनको रोल बैक करने के बजाय जिस प्रकार से इनको बढ़ाया जा रहा है, तो जनता के काफ़ी सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली सरकार को देने हैं, लेकिन वो फिर भी राजनीति से बाज नहीं आ रही है, और वो लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कोयला खरीद ज़्यादा हो रही है, महंगे दामों पर हो रही है, इसलिए बिजली कम हो रही है। जो तमाम बीजेपी के नेता जो आज उतरे हुए थे सड़कों पर, उनका कहना था कि ये गुमराह करने वाली बातें हैं लोगों को, और जो जो मैकेनिज़्म था दिल्ली गवर्नमेंट का वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है, और उनको दोबारा से उस पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और ये जो जो दाम सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लगातार, उनको कहीं ना कहीं लगाम लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो जनता है जो ईमानदारी से अपना बिजली का बिल भर रही है, कम से कम उसकी जेब को जो है वो काटा ना जाए। बिल्कुल मुकेश, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से जो तमाम अनियमितताएं हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं, कितना बड़ा घोटाला इसमें दिखाई देता है, क्योंकि जो पीपीएसी है उसका भी एक लिमिट होता है, लेकिन उस लिमिट से कई गुना आगे ये बढ़ गया, और इसका कोई जवाब नहीं है आम आदमी पार्टी सरकार के पास। रमा बिल्कुल, देखिए ये जो चार्जेस थे, जैसे कि चंद्रशेखर भी बोल रहे थे और हमारी रिपोर्ट भी बताती थी कि 3 महीने के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, आप उसको रोल बैक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय चलो आप जब लेते हैं कंज्यूमर बढ़ जाता है आपका, आपके जब बिजली की दरें जो है वो इसलिए बढ़ाई जाती है कि उस समय उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, लेकिन ना आप रोल बैक कर रहे हैं, ना इसमें कोई आप प्रावधान लेकर के आ रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, और आपने उसमें एडिशनल एड ऑन कर दिया, और लगातार इसकी जो मार है ये जनता को झेलनी पड़ रही है, और वो पैसा आप अपने फंड में लेके जा रहे हैं। जब सरकार आई उन्होंने बोला हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, उसको लेकर के वो जनता के बीच में आए और उन्होंने यहाँ पर अपनी जड़ें मजबूत करी। अब जब उनसे ये सब नहीं हो रहा, उन्होंने एक बात और कहा था कि जनता के सरकार के पास पर्याप्त अमाउंट है, पर्याप्त पैसा है कि वो जनता को फ्री में तमाम सुविधाएं दे सकती है। जब फ्री में दे सकती है तो फिर इस पर सरचार्जेस क्यों लगाए गए? मनमाने चार्जेस लगा करके जनता को क्यों गुमराह किया गया, क्यों उनसे पैसा ऐंठा गया, ये बात है। और उन्होंने बताया, जैसे मैंने आपको बताया, इनके खुद के नेता इनकी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के खड़े हैं और बता रहे हैं कि ये लोग कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे अपने आप अपने टारगेट सेट करते हैं और मुनाफा देते हैं अपने खास लोगों को, यानी आम जनता को, तो ये सिर्फ 200 रुपए यूनिट के नाम पे गुमराह करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सरचार्जेस करके ये चीट करते हैं। और जिस तरह से कमर्शियल यूनिट की बात की जाए, जितना ज्यादा कमर्शियल यूनिट का अमाउंट है दिल्ली में, आसपास दिल्ली एनसीआर में आप देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, उतना पैसा नहीं है, यानी ये जो व्यापारी वर्ग है ये भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, उसका जो काम है वो इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जितना उसका कमाई है उसका तो वो एक तिहाई पैसा बिजली कंपनी को दे देती है, यानी उसको इसकी मार सीधे सीधे झेलनी पड़ती है। ना तो आप व्यापारी के बारे में सोच रहे हैं, ना मध्य वर्ग के बारे में सोच रहे हैं, और ना कॉमन मैन के बारे में सोच रहे हैं, आप सीधे लोगों की जेब काटने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा था दिल्ली में थोड़ी बारिश, बारिश का लॉग इन हो गया, पानी का कितना चला, 3 दिन पहले ही देखो द्वारका जैसे इलाके में पूरा पानी नहीं था, 2 दिन 2.5 दिन तक पानी नहीं था, यानी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब ये बिजली की जो मार है इस पे भी वो कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया अपनाए हुए, केजरीवाल कहते हैं वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, खुद मासूरी ने कहा क्या इनके पास कॉम्पिटेंट 60 विधायकों में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके गैर मौजूदगी में सरकार को चलाए, तमाम फाइनल करे, और जो बिजली का ये करंट बढ़ा सकता है आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर और मुकेश पूरी जानकारी के लिए।